नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे उत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है उसको बताया था। मैंने मैप की सहायता से पूरा हिमालय का विभाजन कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर बताना चाहता हूँ, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो पर्वत क्या होते हैं? तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊँचाई है। पर्वत का आधार काफ़ी चौड़ा होता है और इसका शिखर काफ़ी छोटा होता है। आप देख रहे हैं, जैसा कि इमेज में, आप लोग इमेज में ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इसका जो आधार है ये चौड़ा है और इसका जो शिखर है काफ़ी छोटा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका शिखर कितना छोटा है और आधार कितना चौड़ा है। हम यह भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होती है, आप लोग देख सकते हैं। और पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं। उसी के मुकाबले अगर हम पठार की बात करें तो मैं आपको सीधे और सरल भाषा में बताता हूं कि अगर हम पर्वत की चोटी को काट दें, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, अगर इसकी चोटी को काट दिया जाए तो इसके समतल कर दें, इसको अगर समतल कर दिया जाए तो उसी को पठार कहते हैं। ये पठार के मुकाबले छोटे होते हैं क्योंकि ये ऊपर से समतल होते हैं, बिल्कुल मेज की तरीके से, जैसे मेज होता है इस तरीके से ये समतल होते हैं। अब हम देखते हैं पहाड़, यानी अब पहाड़ की बात करते हैं। तो पहाड़ क्या है? तो पहाड़ पर्वत का ही लघु रूप है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पर्वत बड़ा भाई है। ये पर्वत क्या है? बड़ा भाई। और पहाड़ जो है ये छोटा भाई। तो पर्वत बड़े होते हैं और पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी छोटी होती है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पर्वत होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं और पहाड़ की जो हाइट होती है वो, या ऊंचाई काफ़ी छोटी होती है। ये पर्वत का ही एक लघु रूप है। तो चलिए अब हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के नज़रिए से सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही कवर करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं किस तरीके से ये गुजरात से हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग राजस्थान में ही है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली। और इसकी सबसे जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत के बारे में। तो ऊपर जो पर्वत दिख रहा है ये विंध्याचल पर्वत है और जो नीचे जो पर्वत दिख रहे हैं ये है सतपुड़ा पर्वत और ये है मैकाले पर्वत श्रृंखला। बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में तो इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। वहीं बात करें मैकाले पर्वत श्रृंखला के बारे में तो इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। वहीं ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इस पर्वत श्रेणी जो मैकाले पर्वत श्रृंखला है इससे जो है नर्मदा नदी निकलती है और वहीं जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इससे ताप्ती नदी निकलती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपका हो जाएगा आंसर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आप लोग देख सकते हैं कि इधर से नर्मदा नदी निकल रही है और इधर से ताप्ती नदी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दो नदियों के बीच में, जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो अब हम बात करते हैं गिर पहाड़ियों के बारे में।
तो आप लोग जैसा कि मैप में देख रहे हैं कि गिर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, और ये जो फेमस है ये एशियाई शेरों के लिए विश्व में विख्यात है। जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है इसी क्षेत्र में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, वहीं बात करें अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में, तो अजंता पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में है और ये पूरे महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। तो हम लोगों ने उत्तर भारत के पर्वत और पश्चिम की तरफ के जो पर्वत हैं उसके बारे में देखा, मध्य के पर्वत के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा दक्षिणी भारत है यानी साउथ इंडिया की जो पर्वत हैं उनकी श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग आप लोग मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो ये पर्वत श्रृंखला है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और इसका जो नाम है इसे जो पूर्वी घाट के पर्वत हैं इसे महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है, और जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से असम तक फैला हुआ है, इसी तरीके से ये भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ तक फैली हुई हैं और इधर भी ऐसे इस तरीके से ये फैली हुई हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलती है। ये जो दोनों पर्वत जो श्रेणियाँ हैं ये आकर ये नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पर आकर ये मिलती है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और जो डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पर्वत ये जहाँ पे दोनों जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं वहीं पे नीलगिरी पर्वत है, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और ये पर्वत श्रेणी सर्वोच्च चोटी, जो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी, जिसे अन्नामुडी भी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, आप लोग देख सकते हैं। और उसी के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हैं इलायची, और इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में ही हैं, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये पूरे जो है भारत में इलायची की पहाड़ियाँ इलायची के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वतों के बारे में देखा। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारे द्वीप समूह हैं उनके जो सर्वोच्च चोटी हैं उनके बारे में देखते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि इधर जो है लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। वहीं जो लक्षद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नारचो, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इलाके के जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं, जो भारत के क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो उनमें जो है मेघालय, ये मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं मैप में, ये जो मेघालय है इसकी जो पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो खासी जयंतिया, एग्जाम में पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया की ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये मेघालय में है। और वहीं जो नागालैंड में जो पहाड़ियाँ हैं उनको नागा पहाड़ियाँ कहा जाता है, आप लोग देख सकते हैं मैप में। फिर मिजोरम में जो पहाड़ियाँ हैं उनको मिजो पहाड़ियाँ कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तो उनमें है डाफला और मिशमी, आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं पर्वत हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है SSC 2013 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये
पिछला जो वीडियो है उससे ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस जो है 1991 में और एमपीसीएस में 1993 में, 1995 में और 2009 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है। यहाँ जहाँ पे जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है, हमने ऐसे बताया था, तो वो कौन सा जगह है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्नाई मुडी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए अभी गिर की बात की गई थी, जो यहाँ पे जो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं ये इसी के लिए बहुत फेमस है। तो गिर पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, यानी जो नर्मदा नदी है और जो ताप्ती नदी है इसके मध्य कौन सा पर्वत है या कौन सी पहाड़ी है। देखिए ये पीसीएस 2007 और 2011 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। देखिए पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडल पिक। अब अगला और अंतिम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। और आप लोग क्या बता सकते हैं कि गुरु शिखर जो चोटी है वो किस पर्वत या फिर किस जो पहाड़ी है या फिर जो पर्वत श्रृंखला है उसकी किसकी चोटी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका हम जवाब देते हैं कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ भारत के पर्वत पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भारत के पर्वत के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली, आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं बीएसएस ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बीएसएस ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।